हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्ती में होंगे। अभी शाम का टाइम है, 5 बज रहा है और आज जो है मैंने अपने बाल को खुद से ही कटिंग कर ली, क्योंकि मेरे बाल जो है बहुत गिर रहे थे, तो इसलिए मैंने खुद से ही कटिंग की और पूरे बाल जो ख़राब हो चुके। वैसे मेरा बाल लंबा हो गया था लेकिन इतने हेयर फॉल हो रहे थे ना, तो इसलिए मुझे कटिंग मजबूरी में करना पड़ा और मैंने इसको कट करके इतना बड़ा बना दिया। और आज जो मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत यूजफुल वीडियो है। अभी जो फेस्टिवल आने वाली है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तो इसमें हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। मैंने वीडियो डाला है कंडेंस मिल्क पर, जो कि हम घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और उसमें हम उसके यूज भी करते हैं, तो कंडेंस मिल्क से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, बहुत कुछ बनती है। तो मैंने जो बनाया बिल्कुल परफेक्ट मार्केट के जैसे बनाया है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और मेरी वीडियो आप देख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया अमूल का दूध। ये अमूल का 2 लीटर का पैकेट है और हम इसमें डालने वाले हैं 1/2 लीटर दूध। तो बस 1/2 लीटर दूध के ही हम बनाएंगे यहाँ पर आज। और मैंने पैन में डाल दिया है 1/2 लीटर दूध। यहाँ पर दूध में एक बार अगर उबाल आ जाए अच्छे से, फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो दूध को अच्छे से मैंने यहाँ पर उबाल लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी अब चीनी। चीनी 1/2 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम चीनी। चीनी डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और बस इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे हम दूध को नॉर्मली ऐसे उबालते हैं तो वो उतना नहीं उफनता है, लेकिन ये बहुत उफनता है, इसलिए मुझे खड़े होके ऐसे ही इसको चलाते रहना है। तो जब भी आप कंडेंस मिल्क बनाओ तो थोड़ा सा बड़ा सा पैन ले लो, क्योंकि उफनता ज़्यादा है और इसमें झाग भी बहुत बनती है। तो ऐसे ही मुझे चलाते रहना है और कम से कम इसको बनने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आराम से। लेकिन हम बिल्कुल परफेक्ट मार्केट के जैसे कंडेंस मिल्क बना के घर में भी रेडी कर सकते हैं। और हम जो मार्केट में ख़रीदते हैं कंडेंस मिल्क और घर के बना हुआ कंडेंस मिल्क में बिल्कुल भी कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है। मैंने कितने बार बना चुकी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता है और बहुत अच्छे से जो है ये बन भी जाता है। इसमें मैं अब कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ दूध और चीनी से, बस 2 ही सामानों से मैंने यहाँ पर बना रही हूँ कंडेंस मिल्क। और जब ये बन जाएगा तब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सोडा, जो कि खाने वाला सोडा होता है। अगर हम शुरू में डालते हैं तो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इसलिए हम जब ये बन जाएगा पूरा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सा जो है ये थिक हो चुका है, तो धीरे धीरे बन के ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। बहुत अच्छा सा जो है ये बन के तैयार हो चुका है यहाँ पर। और गैस को मैं यहाँ पर कर दूँगी ऑफ़। बस ऐसे ही चला चला के मुझे इसको करना है ठंडा, ऐसे ही चलाते रहना है। इसमें ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा और मैं इसमें डाल दूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी सोडा। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ी सी डालना है और उसको डाल के हम इसको अच्छे से फिर चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ठंडा हो चुका है और इसमें मैं डाल लें थोड़ी सी सोडा, ये खाने वाला सोडा है। इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और सोडा डालने के बाद ये जो है और भी हल्का हो जाता है, इतना स्मूथ लगता है देखने में। और जब हम इसमें चलाते हैं करछुल तो ये लगता है कि कितना और हल्का हो गया है बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है मार्केट के जैसे ही बन के तैयार हुआ है और बहुत अच्छा सा जो है ये बना हुआ है यहाँ पर। इसको हम एक बॉल में या कोई शीशे की जार में निकाल के रख लेंगे, जबकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको रखेंगे किसी जार में या बोतल में, और उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना अच्छा सा जो ये बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, ना ज़्यादा मोटा बना और ना ज़्यादा पतला बना, बिल्कुल परफेक्ट बना। इसको मैं निकाल रही हूँ एक बॉल में, इसको बॉल में हम अच्छे से निकाल के, या हम चाहे तो शीशे के जार में निकाल के इसको हम टाइट कंटेनर में
रख सकते हैं फ्रिज में। कम से कम आप इसको 7 दिन तक यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से अच्छे रेसिपी भी बना सकते हो, या आप खीर, चावल की खीर बना लो, या मखाने की खीर बना लो, या सेवई की खीर बना लो, या फिर केक बना लो, या टॉफ़ी बना लो, या नारियल की लड्डू बना लो, बहुत सारी चीज़ बनती है इससे, या फिर कंडेंस मिल्क की कलाकंद बना लो। तो आपको जितने जितने रेसिपी बना सकते हो। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।